है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर डॉट गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आप लोगों को शायद स्मरण में हो सकता है, या तो आपको इसका कोई विशेष ज्ञान नहीं हो सकता है, और चूंकि यह वर्तमान में अनेक प्रकार के साधन सामग्री में परिवर्तन होने के कारण यह आप लोग उससे जानकारी से दूर होंगे। लेकिन मुझे बहुत दिन के पूर्व की बात याद आई जो इस विषय को स्पष्ट करने में सक्षम है। आप सुनना चाहेंगे? ओ फुकट में मिल रहा। फिर भी हम चूंकि जिस बात को आपके पास पहुंचाना चाहते हैं तो इस माध्यम से वह बहुत जल्दी पहुंच जाएगी और स्मरण भी रह जाएगी। तो स्मरण में रहे इसलिए कहा जा रहा है। गर्मी के समय में अथवा औषधोपचार की अपेक्षा से अन्य ऋतुओं में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, करते होंगे लोग। तो यह था, दूध है या और कोई भी रस है, जो जैसे आम रस वगैरह, उसमें दूध में डाल करके और एक किटली या और कोई पात्र जो व्यवस्थित उसमें जमाया है, और उसके ऊपर और भी जो चीज़ें डाल करके उसको ढक करके उसको तैयार किया। अब उसमें कुछ ऐसे साधन रखें जिसको घुमाने से वह भीतर एक प्रकार से जो उसको जमने में सहायक तत्व आ जाता है। ये मैं सब कुछ जैसे ही पहले से कर रहे थे उसको देखता रहा। एक एक वस्तुओं के बारे में जानकारी भी हमने ली है, जैसे पत्रकार महोदय लेते रहते हैं, उनको जानकारी तो आवश्यक है, तभी तो आप लोगों के पास भेज सकेंगे। इसलिए हमने सोचा कि ये जानकारी ले लो। एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी, ये सारे खाद्य पदार्थ एक से एक बढ़कर के गुणवत्ता को लिए हुए हैं, और आप लोग उसकी जो चीज़ बनने वाले क्रीम के रूप में उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और उस व्यक्ति को देख रहे होंगे जो वह लगातार उसको घुमा रहा है। किंतु वहीं पर उसी स्थान पर चारों ओर एक व्यक्ति डली रखता जा रहा है। डली का मतलब नमक की डलियों को वह उसके उस केटली के इर्द गिर्द चारों तरफ अच्छी व्यवस्थित करता हुआ। हमने कहा अब तो दूध तो फट ही जाएगी। हमने सोचा अब आम की गति गड़बड़ होगी, ये सारे मीठे मीठे वस्तु बहुमूल्य पदार्थ और ये क्या कर रहा है। बहुत कठिन, द्वेष से बचो। कल नहीं परसों तो कहा था ना, द्वेष से बचो, लवण से दूर हो, दूध न फटे, ये कहा था ना, भूल गए गर्मी के कारण, याद तो दिलो। हाँ, अब मैंने सोचा कि ये तो फट जाएगा, ये तो बिल्कुल निकट रख रहा है, बिल्कुल निकट रखा जा रहा, और वह डली के डली डली गली लगता हुआ जा रहा, बिल्कुल वह वहाँ तक रखा जहाँ तक भीतर किटली में दूध का लाइन आ रही थी।
अरे ये तो बहुत कठिन है, लेकिन रख रहा समझदार व्यक्ति, कठिन कैसे, गलत भी नहीं होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आता, इस प्रकार तो निकट रखना अच्छा नहीं, छाया भी नहीं पड़ने चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। ये बिल्कुल ही उसमें ढक गया और बिल्कुल टच है उस किटली से और इस डली से, फिर इसके उपरांत पूरा का पूरा उसको व्यूवर लाइन प्रकट भर दिया और वो घुमाते चले जा रहे हैं। मेरी उत्सुकता और बढ़ गई, ये कब तक घुमाते देख तो लो। तो जितना समय पूर्ण लेना था पूरा पूरा उन्होंने दे दिया। अब उसको निकालना है बाहर, तैयार हो गया होगा तो वह उसको भी हटाया, नमक की डली वगैरह, और उस केतले को बाहर निकाला गया। निकालने के उपरांत उसको धीरे धीरे बांटना प्रारंभ कर दिया, जो कोई भी चाहता था उसके लिए अपना मूल्य ले करके देता रहा। सब लोग जो सब घर ले जाना होते घर लेने लगे, और कहीं वहीं पर जाकर के खड़े होकर के स्वाहा चालू हो गया और मैं देखता रहा इनकी इस चीज के प्रति क्या अभिव्यक्ति है। तो सब लोग देखते हुए आपस में बोल नहीं रहे हैं, लेकिन मीमांसा तो उनके मुख मुद्रा से हो रही थी। किसी का मुख उस नमक के स्वाद के कारण सिकुड़ नहीं रहा था। मैंने कहा ये कैसी बात है, नमक को भी इसने पलटा दिया, ये कैसी बात है। अकेले कभी आप लोगों ने नमक की डली खाई है, नमक का त्याग है आप लोगों का। त्याग हो तो त्याग बता दो, मैं हमारा भी त्याग है, नियंत्रण हो जाएगा आप लोगों का प्यार, बताओ त्याग तो नहीं महाराज, तो तू क्यों लगा रहे हो, हमारा त्याग नहीं कहो। नहीं महाराज, हमारा ऐसा त्याग नहीं है, हमारा नमक का त्याग तो है, लेकिन कोरा नमक हम ले नहीं सकते, ये हमारा हमारी प्रतिज्ञा है, हम कोरे नमक को तो देख तक नहीं सकते, लेने की बात अलग है। हाँ, लेकिन फिर भी हम नमक का त्याग नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को भी पास रखना आवश्यक है, इसलिए हम अपने पेट में रखा। हमने ये देखा उतना सारे सारे नमक के उपरांत, फिर धीरे से एक व्यक्ति को पूछा इस नमक को रखने से क्या होता है बताओ। तो उन्होंने बताया भीतर का जो कोई भी वस्तु है तो रखी गई थी, वो सब जमने में बहुत कारण होता है। हाँ, ऐसा जम जाता है जिसके द्वारा उसका भी मूल्य नमक का बढ़ जाता है, लेकिन खाली नमक कोई भी नहीं लेता, किंतु उसको कोई भूल भी नहीं सकता। आप भूलते हैं बताओ, हाँ, भूल से कोई नई नमक डाले तो क्या हो गया, विस्मरण शक्ति बढ़ गई, स्मरण शक्ति आपको चूर्ण वगैरह बढ़वा दे, क्या हो गया। अरे अभी भी पूछ रहे, आज नमक ज्यादा डल गया, ओ आज डाला ही नहीं, याद आ गया, याद आ गया, रविवार है आज, ना आज आपका नमक का त्याग होगा, सब कुछ चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिर बाद में सोचा, पूछा क्या है, इसको जमाने में यही एकमात्र अनन्य साधन है। महाराज जी इसको बता करिए आप क्या कहना चाह रहे हैं बताओ। हम ये कहना चाहते हैं, बाह्यम तपः परम दुश्चरमाचरस्व माध्यात्मिकश्च तपसः परिभ्रमणार्थम। हे कुंतनाथ स्वामी, आपने
भीतरी तप को तो अंगीकार किया ही, किंतु नमक की भांति जो कोई भी इसको चाहता नहीं, बाहरी तपों को भी आपने अपनाया, काय के लाने बताओ। तो उन्होंने कहा आभ्यंतरम तपसः परिब्रह्मणार्थम, आभ्यंतर तप की वृद्धि के लिए हमने बाह्य तपों को भी उस नमक की डली की भांति अपनाई है। सुन रहे हो आप लोग, धन्यवाद है आप लोगों के धीरे धीरे तालियों के लिए। किंतु आप सही प्रशिक्षित नहीं है, इसलिए मैं आपकी प्रशंसा जो बाद में तालियां बज गई उसका नहीं करता। ये बात अलग है, जो व्यक्ति बजवाते रहते हैं कभी महोदय वगैरह, उनके लिए दे देना, क्योंकि उनकी भूख ज़्यादा तेजी रहती रहती है। कहीं आ गए हो बैठे हो, उनके लिए दे देना, धन्यवाद। लेकिन अकेले जो व्यक्ति नमक को ही चाहता है वह सही नहीं, अकेले ही केवल बाह्य तप के माध्यम से संतुष्ट हो रहा हो ये बात अलग है। भीतरी जो जो दूध के सामान हैं उनका शायद संभव है उनको मिला नहीं, अथवा उसका त्याग होगा, पर बाहरी तप के माध्यम से ही वो समझते होंगे भगवान से हम प्रसन्न करा देंगे भगवान को और हमारे लिए में मुक्ति मिल जाए, तीन काल में नहीं मिलने वाली। किंतु जो व्यक्ति बाहरी तप के द्वारा कुछ होता नहीं ऐसे मानते हैं, इसे समन्तभद्र महाराज जी को संतुष्ट करना बहुत कठिन हो जाएगा। परिब्रह्मणार्थम कहा है, बाह्य तप अलग है, बाहर रहता है, और भीतरी तप भीतर रहता है, वो आत्मा के आश्रित रहता है, उसका संबंध साक्षात मोक्ष मार्ग से रहता है, बाह्य तप का कुछ नहीं है, ये गलत है। क्योंकि शरीर आश्रित हो करके भी वह केवल शरीर आश्रित ही नहीं रहता, उसका भी परिणाम उस भीतरी तप के ऊपर पड़ जाता है और कर्म की निर्जरा की वृद्धि में इसका अनन्य हाथ रहता है। यदि ऐसा नहीं होता तो कुंतनाथ भगवान की स्तुति के अभाव में 24-23 ही भगवान हो जाएंगे। ध्यान रखो, वसंत तिलका छंद के साथ इस स्तुति को उन्होंने 5 श्लोकों के माध्यम से पूर्ण किया। हे भगवान, आप महान दयावान होकर के भी कठिन से कठिन तप को अपनाने वाले हैं और केवल आभ्यंतर तप की ही प्रशंसा नहीं करते किंतु बाह्य तप की भी प्रशंसा करवाते हैं, क्योंकि इसके कारण असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा में हेतु सहायक बनता, बाह्य होते हुए भी वह एक प्रकार से जैन दर्शन बाह्य नहीं है। ध्यान रखो, वह भी उस 12 प्रकार तपों में 6 तपों को बाह्य तपों को रखा है और उसका होना अनिवार्य है, लेकिन भीतरी यदि तप नहीं है तो कोरा कोरा वह शरीर को सुखाने वाला हो सकता है, सूख जाए कोई बात नहीं, लेकिन नहीं सूखने वाला 31-31 सागरोपम काल तक हमारे वह वैकृत शरीर वाली मिलेगा और उस सुख का हम अनुभव करेंगे, ये तो अनंत बार कर चुके हैं। बाह्य तप के द्वारा केवल वहीं तक जा सकता है, किंतु उसे रत्नत्रय के अभाव में बाकी जो भीतरी चीज है, जैसे वह आइसक्रीम है आदि, उसका जो स्वाद है वह व्यक्ति ले सकता है, उसी प्रकार शुद्धात्मा अनुभूति का अनुभव वह एक प्रकार से बहुत दुर्लभ है, किंतु उसके लिए दुर्लभ नहीं है जो बाहरी तपों के साथ साथ भीतरी तपों को भी अपनाता रहता है। इस प्रकार समन्तभद्र महाराज जी ने हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात कही है, जो आजकल के स्वाध्याय प्रेमियों के लिए वह अखरती है। क्या करें, जो व्यक्ति एक ही वस्तु की आदि हो जाता है तो उसको स्वाद भी नहीं आता होगा, क्योंकि उस स्वाद में और उसकी घनत्व में यदि कोई किसी का हाथ है तो वह
नमक का ही हाथ है, इसलिए आप स्वामी सुमंत भद्र को प्रसन्न करना चाहते हो तो इस डली को भी आप, लेकिन भूल करके भीतर नहीं रखना है, नहीं समझे, भूल करके भीतर नहीं रखना, उसका महत्व केवल नमक के बराबर ही है, किंतु दूध का जो बना हुआ पदार्थ है उसका स्वाद अलग आता है। हमें भीतरी स्वाद के लिए बाहरी हितों का कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, किंतु तिरस्कार नहीं करना चाहिए, किंतु यथा योग्य उसका भी स्वागत करना चाहिए, उसके लिए भी आसन दे देना चाहिए, लेकिन बाहरी आसन के ऊपर उसको रखा जाए। अहिंसा परमो धर्म की जय। हेलो, पुत्रा मंडल की शुभ्रा दीदी जी के परिवार